ना एनसीबीआई जियो से ना हमने एक्सप्रेशन लेना है। आपको पता है कि कोई भी जीन कब एक्सप्रेस होता है? जब उसका मैसेंजर आरएनए बनता है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? मैसेंजर हेलो। आरएनए प्रोटीन से कन्वर्ट करता है। हाँ अच्छा, जब भी कोई मैसेंजर आरएनए बनता है किसी भी जीन कैटेगरी, वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। सर, यस सर। अगर हम किसी भी जीन का मैसेंजर आरएनए का एनालिसिस कर लें एक स्पेसिफिक ऑर्गेन के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जीन वहां एक्सप्रेस होता है या नहीं। अगर तो मैसेंजर आरएनए हमें वहां मिल जाता है, ठीक है, तो फिर जी तो वो जीन एक्सप्रेस हो गया वहां, ठीक है। हेलो। यस सर, जी सर। तो मैसेंजर आरएनए हमें वहां नहीं डिटेक्ट होता, इट मींस दिस जीन इज नॉट एक्सप्रेसिंग एट दैट स्पेसिफिक ऑर्गेन आर अंडर डिफरेंट स्टिमुलस, ठीक है। उसके लिए हम ना ऑलरेडी फर्ज किया किसी बंदे ने काम किया है, फर्ज किया फातिमा ने ये काम किया, प्लांट के अंदर ना आपने ना हीट स्ट्रेस दिया कोकम्बर को, ठीक है। आपने क्या किया कि हीट स्ट्रेस दिया कोकम्बर को, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने हीट स्ट्रेस दिया कोकम्बर को, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने वो डाटा जनरेट कर लिया लीफ से, शूट से, रूट से, या किसी भी ऑर्गेन से, कि कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। मेरी बात की समझ आई आपको? जी सर। और वो डाटा आपने जनरेट कर लिया, और फिर आपने उसमें से सिर्फ ड्राउट रिलेटेड जीन आइडेंटिफाई किए, जो कंट्रोल के अंदर से या ड्राउट के अंदर से, जो तो उसके बाद बाकी सारा डाटा आपने ये वेबसाइट के अंदर सबमिट करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो वहां से वो डाटा डाउनलोड करेंगे, तो हाँ, और हम जीन का एक्सप्रेशन स्टडी कर लेंगे उसी डाटा में से। नहीं समझ आई? जी सर, आई है। अच्छा, उसका ना एक यूनिट है जीन एक्सप्रेशन का, वो टीपीएम है, आरपीकेएम है, या डिफरेंट जो कंपनीज है ना, वो डिफरेंट इसका जीन एक्सप्रेशन का डाटा है। हमने वो जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा है ना, वो हमने डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, और उसमें से अपने जीन तलाश करने हैं कि क्या वो जीन हमारा एक्सप्रेस हुआ हुआ है या नहीं, जी सर। ठीक है। उस वो कैसे मालूम करेंगे, वो हम एनसीबीआई जियो पे जाएंगे। फर्ज किया ये एनसीबीआई एक्सप्रेशन ओमनी बस। अब यहां पर जाएं, यहां जाके आपने यहां पर लिख देना है मूसा क्यूबिनेटा, या जो भी आपका ऑर्गेनाइजर है इसको सर्च करें, ये फर्ज किया ये डाटा है हमारे पास मूसा क्यूबिनेटा का। अब ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज नोन एज। ट्रांसक्रिप्शन अच्छा, अगर आप तीनों लोग कल डिपार्टमेंट या परसों डिपार्टमेंट आ जाए ना, जी असल में सर। ना ये चीज है जो मैं नजदीक बैठ के आपको समझाऊंगा। सर मैं कल आ जाऊंगी डिपार्टमेंट में, आपसे मिलना है। वीआईपी से अवेलेबल होंगे हैं? सर? आप कल किस टाइम डिपार्टमेंट अवेलेबल होंगे? आप चाहे 9 बजे आ जाए, आठ सर साढ़े आठ एक नौ बजे नहीं, सर 1 बजे होंगे आप? 8 बजे मेरी एक मीटिंग है, आप आ जाए उस एक मीटिंग के अंदर है, वो बच्चों के साथ ही है। वेट कर लूंगी, कोई मसला नहीं। दरअसल मैं बागे जिना जा रही हूँ ना कोर्स करने, तो उसके बाद 1 बजे वहां छुट्टी होती है। अच्छा,
ठीक है, आप आ जाए उसके बाद। अच्छा बाकी बच्चे की? जी सर। अब ये देखना, जी अब सर ये है जी, अगर आप आ जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चलिए सर ठीक है। क्योंकि ये ना जो काम जो है ना, ये वाला थोड़ा सा जब मैं आपको वो करूंगा ना फेस टू फेस, तो वो ज्यादा अच्छा समझ आएगा एज कम्पेयर टू कि मैं अभी इधर समझाऊं। वैसे फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। अब ये देखें, यहाँ पर इन्होंने क्या, ट्रांसक्रिप्ट टोन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से मैसेंजर आने का बनना ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होती है। अगर हम मैसेंजर आरएनए को स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ कि ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस किया हुआ बनाना था इन रिस्पॉन्स टू लो नाइट्रोजन स्ट्रेस। जब इन्होंने प्लांट के रूट्स के अंदर लो नाइट्रोजन स्ट्रेस दी, फिर इन्होंने चेक किया कि आपका जीन के जो है कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि लो नाइट्रोजन, ये देखना, यूजिंग लो नाइट्रोजन कल्चर सोल्यूशन, लो नाइट्रोजन ट्रीटेड बनाना प्लांट्स कंस्ट्रक्टेड विद नॉर्मल ग्रुप हॉगलैंड सोल्यूशन। नॉर्मल था एक था जिसके अंदर लो नाइट्रोजन, ठीक है, मेरी बात की समझ आई? हमारे पास बनाना के दो पौधे थे, एक को लो नाइट्रोजन दिया गया, एक को नॉर्मल प्लांट जो नॉर्मल सॉल्यूशन दिया गया जिसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल जो है वो क्या था, नॉर्मल था। अभी नॉर्मल था। उन दोनों के अंदर जीन एक्सप्रेशन का स्टडी किया इन लीफ, ये देखना कंट्रोल नाइट्रोजन, इन्होंने चार सैंपल है, लो नाइट्रोजन रूट्स, ठीक है, नाइट्रोजन लीव्स, नाइट्रोजन रूट्स, नाइट्रोजन लीव्स, लो नाइट्रोजन रूट्स और लो नाइट्रोजन लीव्स, चार इनके पास सैंपल है। लो नाइट्रोजन लीव्स, लो नाइट्रोजन रूट्स, नॉर्मल नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन लीव्स एंड नॉर्मल नाइट्रोजन रूट्स। ठीक है, चार सैंपल है इनके पास। अब इन्होंने इन चारों के अंदर जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया तो फिर ये पता चला कि ये जो इसकी ना, ये देखे, ये और ये वाला, ये दोनों, इसका ये FTPY फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, जी सर। ठीक है, जब ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, अब इसके अंदर जो ये जीन एक्सप्रेशन का डाटा है ना, ये दोनों, ये देखे, अब ये आपका जीन है, अब आपने जीन आईडी तलाश करना है अपना, वो इसके अंदर है या नहीं वो मालूम करना है आपने। मेरी बात की समझ आई? यस सर। अब आप मीरा अपना जीन का को ये बताएंगे, जीन आईडी क्या है, वो टेबल भेजिए मुझे। यस सर। आप इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करके इसको एक्सेल की फाइल में ले जाए और यहां जाके आपने क्या करना है। अच्छा, पहला है जीन आईडी, दूसरा है जीन लेंथ, फिर सीएल का मतलब है कंट्रोल लीफ, तो एनएल का मतलब है नाइट्रोजन लीफ जिसके अंदर लो नाइट्रोजन लीफ है, ठीक है। ये जीन एक्सप्रेशन है, ये इसकी FVKM वैल्यू है, हमने FVKM वैल्यू ले ली है। मेरी बात की समझ आई है आपको? आपने ये तीनों कॉलम डिलीट कर देने, पहले दोनों कॉलम और तीसरा भी, वी डोंट नीड दीज थ्री कॉलम, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। और इवन हमें ये भी आगे वाले भी कोई इसका गो एनालिसिस भी किया हुआ है इन्होंने, ये आगे ना, अब हमें आगे भी मुझे लगता है कुछ शैली चाहिए इसमें से, ठीक है। बस ये चीज चाहिए, कंट्रोल लीफ और लो कंट्रोल लीफ, लो नाइट्रोजन लीफ, एनएल, ठीक है।
आपको मतलब ये है कि ये जीन जो है जब कंट्रोल था उसके अंदर ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जब लो नाइट्रोजन हुआ तो ये जीन एक्सप्रेस। मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर। अब आपने वो भेज दिया है बच्चे? यस सर, मैंने सेंड किया आपको। अच्छा अब ये देखिए ना, आज ये टेबल है आपका एगो वाला, ये टेबल एक ही बना रहे हैं इस तीनों को इकट्ठा करके। फर्ज किया आप, यस सर मैं बना। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है इसका? ये यस सर। ये कैसा एक्सेशन नंबर है? सर जो इससे पहले वाला था उसका आईडी वो सबका सेम ही था, ये कोड ही चेंज था तो मैंने सिर्फ वही नोट डाउन किया। मुझे दिन लगता ये एक्सेशन नंबर आपने कहां से लिया? जो एक्सेशन नंबर सर फाइटोसोम से। कोई भी ऐसी कोशिश कर सर, मैंने आपको सेंड किया है वो सीक्वेंस। अच्छा इस मीन्स इसका जीन आईडी है ये सारा है बच्चे। सर 001 सबके साथ था इससे मैंने उसको रिमूव कर, उसको रिमूव कर दे ठीक है। और ये है इसका सारा आईडी ना, यहाँ जीएमएसओ ये सारा ठीक है। सर मैंने इसका 1 2 3 यस ओके। अच्छा लेकिन ये जो है ना इसके अंदर ये जो इन्होंने जीन आईडी दिए हुए है ना जो इसके अंदर है, ये मुझे लगता है किसी और डेटाबेस से लिए हुए है। अब ये कहां से लिया गया है ये हमें मालूम करना पड़ेगा। सर जो अभी आपने डेटाबेस लिया है उसमें से ये कैसे पता चलेगा कि ये एगो का है डीसीएल का है या आरडी का? क्या बदला? सर जो अभी आपने सीक्वेंसेस की बात की है आईडी की बात की है तो मैं पूछ रही हूँ कि डीसीएल एगो और आरडीआर में किस पता चलेगा, है तो सभी मुसाइक ह्यूमेनेटा के। वो मैं अभी यही बताना लगा हूँ कि आप ना इसको हमें तलाश करना पड़ेगा, ये किसी और वेबसाइट से ना जो डाटा लिया है इन्होंने ना,
अब हम देखते हैं कि बनाना जिनोम डेटाबेस मूसा क्यूबी डेटा। अच्छा सर्च में जाके ब्लास्ट सर्च करें, अब यहाँ पर हम आपकी जो सीक्वेंस है आपकी जो आप ना इसकी सीक्वेंस भेजिए मुझे सर। किसकी सीक्वेंस सर्च किया? अब हमने ये मालूम करना है कि ना इसकी जो सीक्वेंस है सर्च किया, हम इसकी सीडीएस की सीक्वेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम एग्जांपल देखिए तो क्या है, ये सही है। ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट, ब्लास्ट एन डेटाबेस सीडीएस सीक्वेंस ले लिया आपने इसकी, इसको रन ब्लास्ट करना है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जीन आईडी जो है वो यहां पर क्या है। यहां पर ये है इसका अजमी, ये वाला भी नहीं है क्योंकि यहां पर भी जीन आईडी डिफरेंट है। ये देखो ना बकामा ये आ रहे हैं, तो फिर ये कहां से लिया है इन्होंने डाटा? एक मिनट, इसका ना पेपर हम ढूंढते हैं। ये इन्होंने तो पेपर पब्लिश किया हुआ है, अब ये पेपर पब्लिश हुआ हुआ है मुझे लगता है इसका। लो पोटाशियम स्ट्रेस, हमें चाहिए लो नाइट्रोजन स्ट्रेस, लो पोटाशियम। सेक्शन बनाना हब, ये अच्छा ये यही से है, लेकिन ये कौन सा इन्होंने लिया है?
बच्चे ये जीन आईडी हमें मालूम करने पड़ने हैं, ये कहां से लिए हैं? बनाना जुनून हब ये इसी के अंदर ही है बच्चे, बनाना जुनून हब के अंदर ही। एक मिनट मैं ना इसको ढूंढता हूँ ये कहाँ पर होंगे। इसके जो जी आईडी है ना उसी के अंदर ही है बनाना, इसमें ब्लास्ट में जाते हैं। अच्छा इसकी बजाय आप एक एक को करके देखते हैं इधर। इसमें हंड्रेड परसेंट मैच कर रहा है, लेकिन इसकी वो जो है ना एंड क्वायरी जी आईडी लोकेशन ये है। यहाँ नहीं है, ठीक हो गया जी। ये भी हो गया, अब हम इसको होल जरूर असेंबली आइडेंटिफिकेशन का
लोकेशन, ये लोकेशन बता रहा है लेकिन जीन आईडी नहीं बता रहा है ना। यस सर। असल में ना इन्होंने ना ये वाला जीनोम डेटाबेस लिया है वो ना जीन एक्सप्रेशन का डाटा जनरेट करने के लिए। अब हमने इसका ना जीनोम आईडी इसमें तलाश करना है, फिर वो आईडी एक्चुअली हम अपने डेटाबेस में से जनरेट करेंगे ढूंढेंगे। ये बात समझ आई है सर? मेरे जीन के साथ भी ऐसे ही होगा? नहीं हाँ, ये इसके साथ ही हो सकता है, आपका लिए डिफरेंट भी हो सकता है। उन्होंने अगर तो फाइटोसोम का डाटा लिया हुआ फिर आपको तो ये काम नहीं करना पड़ेगा। फाइटोसोम का होगा तो वो तो हमें जल्दी से पता लग जाएगा, तो ये पता चल जाएगा। ये स्कैफोल्ड 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 ही दी जा रहे हैं, हालांकि ये इसी के अंदर ही है कहीं। ये समझ नहीं आ रही कि मैंने उस टाइम कौन सा सर्च किया था। ये समीर है लड़की आपकी सीनियर है 8th सेमेस्टर की, उसने ये डाटा जनरेट कराया था। यार की है मसला, ब्लास्ट सच में जाए मुझे लगता है ये लास्ट बार चेक करते हैं, शायद यही हो, या अल्लाह यही हो। क्वेरी जीन लोकेशन, जीन आईडी नहीं बताया हुआ है ना। व्यू ब्लास्ट स्कैफोल्ड कम से कम तुझे यह तो दसो ना भी है केड़ा ब्लास्ट सर्च में जाए। अगर हम पेप्टाइड को सर्च आउट करें शायद वहां से मिल जाए। सूडो क्रोमोसोम की वजह सीडीएस सीक्वेंस को हम करें, यस यस ये समझ आ गई अब। ठीक है ब्लास्ट सर्च में जाए, ये लास्ट से शुरू करते हैं, ये वाला ज़ेब्रिना से। ज़ेब्रिना तो आई नहीं है, उसके बाद ये कैलकुलेटर कोई और नहीं। चाचा कैलकुलेटर में भी नहीं है, तो इसमें ये वाला दूसरे वाला करके देखें।
ये समझ आ गई। हेलो, अब यस सर। आपने ना यहां पर इसका ना सिर्फ ये वाला एंड वाला ना फर्ज के, ये आपका ये वाला पहला वाला है, ठीक है। अब आपने इसका टी की बजाय ना जी लिख देना यहां पर, से क्या मतलब? अब ये देखिए ना यहाँ पर टी है ना, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो आईडी दिए हुए हैं वो जिनोमिक्स के दिए हुए हैं, मुझे लगता है ये जी लिखा हुआ है यहाँ पर। टी लिखा हुआ है ना, वहां पे जी लिख देना। या इसको ये सारा डिलीट करके सिर्फ 1212 1212 ये जीर इधर नहीं है, ठीक हो गया। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर इसको MA08। अच्छा, अब इसका अगर हम CDS, अब ये है इसका मतलब ये है कि ये इसको, अब इसको अगर हम ब्राउज करें, ये है ना, वो टी मैसेंजर आ रहे हैं, आपने इसके सारे जी तलाश करें यहां पर बनाना जिनोम हब में, और फिर उसका ना ये वाला आईडी तलाश करें, और यहां पर टी लिखा हुआ है वहां जी लिख दे बस। नहीं लगी समझ? सर तलाश तो कर लूंगी, लेकिन किस तरह करनी है ये नहीं समझ आई मुझे। मैंने आपसे पूछा एगो डीसीएल और आरडीआर का कैसे पता चलेगा, वो भी बता दो। क्या पता चलेगा एगो डीसीएल और आरडीआर का किस तरह डिफरेंस करेंगे वो इसका भी बता दो। सिंगल सिंगल आपने सीक्वेंस इधर ऐड करते जाना है। नहीं लगी समझ? नो सर। हर सीक्वेंस सिंगल सिंगल सीडीएस सीक्वेंस आपने, अब आप देखिए ना, आप अपना आप मुझे सीडीएस की सीक्वेंस भेजिए। ओके सर। या जिनोमिक्स की भी भेजी जा सकती है। ये आपने इसको ब्लास्ट करना है इस आपने एक एक सीक्वेंस देते हैं ना, सर बल्कि ये है ना, इसको आपने कॉपी किया, DCL1 को कॉपी किया। अब आपने क्या किया,
इसको कॉपी किया। अब आपने बनाना जनोब हमने गए ये वाला, इसमें हमने क्या करना है लूसा की डीएच फैंग में जाना आपने। डीएच फैंग फोर है, डीएच सर टू था, फर्ज कीजिए टू वाला है। इधर हमने सीक्वेंस पेस्ट कर दी, यहां पर आपने क्या कर दिया सीडीएस सीक्वेंस ऐड कर दिया, और फिर आपने इसको ये रन ब्लास्ट कर दिया। अब ये देखे ना, ये हमारा आ गया, ये पहली वाली जो सीक्वेंस है ना ये है, ये इसके साथ 100% मैच कर रहा है। ठीक हो गया? यस सर, दूसरी वाली के साथ भी मैच कर रहा है 100%। पहले दोनों के साथ 100%, जब ई वैल्यू 0 तो इट मींस अब आप इस जीन को अब आप तलाश करेंगे। अब आप इसको ना इस तरह का कॉपी करके ना आपने जो टेबल बनाना है उस टेबल के अंदर आपने एक नया बनाना जीनोम हब के नाम पे, ये फाइटोसोम का आईडी है इसका, ये बनाना जीनोम आईडी है। ठीक हो गया? यस सर। तो फिर अब आपने ये वाला तलाश करेंगे, फर्ज किया ये वाला है ना, ये मैंने इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने यहां पर जाके ये जीन जो है फाइंड में जाके आपने इधर पेस्ट करना है और फाइंड नेक्स्ट। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, इधर अगर हम फाइंड कर ले इसको, अगर उधर नहीं फाइंड हो रहा ये तो फाइंड भी नहीं हो रहा। चले आपको ना मिल जाएगा इधर का, इधर से फाइंड आउट करेगी ना तो आपको कहीं ना कहीं से ये डाटा अब ये देखो ना, अब ये मिल गया, ये देखो ना MA04। ठीक है, अब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो जीन एक्सप्रेशन इसका हो रहा है अंडर लो नाइट्रोजन, इसका जीन एक्सप्रेशन कम हो रहा है। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो जीन एक्सप्रेशन इसका नहीं लगी समझ सर, आ गई है। अब आपने इसको सिर्फ इसको कॉपी करना है, ठीक है, और इसको आपने अलहदा शीट के ऊपर ऐड करते जाना है, और ऊपर फाइटोसोम की आईडी जो है इसके साथ ऐड करनी है या नहीं। हमने इसके साथ जो जब फाइंड आउट कर लेंगे फिर आपने इसकी आईडी जो है ना वो ये वाली ऐड कर दी है आपने, ये वाली इसको कॉपी करके, फर्ज के इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर ये आईडी चेंज करके यहां पर आप ये ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? यस सर।
और इसका सारे ही, और ऊपर आपने ये भी इसका लिख देना कि ऊपर क्या लिखा हुआ है सबसे, बच गया ऊपर क्या लिखा हुआ सबसे, ये वाला है, इसको भी कॉपी करके ठीक हो गया, और ये भी आपने साथ में शुरू में इसके ऐड कर देना। नीचे इस तरह सारे आप ऐड करते जाएंगे, फिर इसी तरह ये आपने ना दूसरे से भी डाटा ले लेना है, जब डाटा ले लेंगे फिर आपने इसका हीट मैप बनाना है। फिलहाल आप डाटा को कलेक्ट करें, फिर बाद में इसका, यस सर ओके समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे का क्या नाम है, लड़की तुम्हारा फातिमा इधर ही हो? सिर्फ फातिमा का नेट नहीं था आ रहा इसलिए वो चली गई है। चलिए आप उसको भी समझा दीजिएगा फिर, ठीक है? यस सर, आप ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।